रंगोली चंदेल द ट्विटर क्वीन के लिए लॉकडाउन हो या आम दिन हो, वो अपने आप को हेडलाइंस में लाना नहीं भूलती। फिर चाहे वो कंगना रनौत की साइड लेना हो या बाकी बॉलीवुड सितारों को स्लैम करना, बस उनके एक कंट्रोवर्शियल ट्वीट से वो लाइमलाइट में आ जाती है। वेल, लेटेस्ट ऑन अ लिस्ट वाज पाकिस्तानी एक्ट्रेस एंड प्रेजेंटर मंशा पाशा, हु रिसेंटली क्रिटिसाइज्ड कंगना रनौत इन हर ट्वीट्स। जी हाँ, और इसी ट्वीट का रिप्लाई देते हुए रंगोली का कहना था, व्हेन पाकिस्तानी स्टार्ट टू क्रिटिसाइज यू, इट्स अ वैलिडेशन दैट यू आर 100% nationalist and a sacha deshbhakt. Two enemy country citizens must talk like this only. Respect for Ms. Pasha. But I can't respect those जो इस देश का खाकर वफा पाकिस्तान से करते हैं। दरअसल उस पाकिस्तानी एक्ट्रेस के ट्वीट में लिखा था कि कंगना रनौत इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ वुमन हु स्टार्टेड ऑफ एज समवन हु टॉक्ड ऑन प्रिविलेज, बिकमिंग अ वॉइस अगेंस्ट नेपोटिज्म, शी देन यूज्ड प्रोग्रेसिव वैल्यूज टू गेन ट्रैक्शन एंड देन सपोर्ट अ गवर्नमेंट दैट स्टिफल्स All voices of dissent and calls everything that goes against its policy to be corrupt and anti-state. And anyone who disagrees to be too rich or too privileged or too corrupt and can't be a voice for the people, one needs to aware of those that use values you believe in to further their own politics. Well, Rangoli ne hamesha Bollywood sitaron ko apna target banaya aur is tweet se bhi kahin na kahin unhone kiya hai SRK ko target. जी हाँ, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो बीच में ये खबरें थी शाहरुख खान ने पाकिस्तान के लिए चैरिटी किया था, कहीं न्यूज रिपोर्ट ने इसे झूठा भी साबित किया। लेकिन रंगोली का वार हमेशा टेढ़ा ही होता है, एक ट्वीट में वो अपने टारगेट को टॉन्ट मारती ही रहती है। वेल, क्या आपको भी लगता है कि ये ट्वीट एक तरह से टॉन्ट था? आपकी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।